हेलो फ्रेंड्स, आज हमें क्या किया 5x प्लस 1 अपॉन में 7x इक्वल टू 15 ये बना। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 49x² प्लस 1 अपॉन में 25x². जब भी हमें ऐसे गिवन हो तो क्या करते हैं, ये वाली टर्म ले लेते हैं 5x प्लस 1 बाय 7x, इसका क्या लेंगे होल स्क्वायर, और क्या इक्वल टू रखेंगे 15 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे। अब क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, 15 का होल स्क्वायर 5x² 1x² प्लस 2ab, 15 का स्क्वायर लिया, क्या आया 225। ये कर लिया हमने। अगला स्टेप क्या, 5 का स्क्वायर लिया 25x² प्लस 1 बाय 49x² प्लस, यहाँ से x से x काटा और तो कुछ नहीं कर रहा, 2 बाय 10 x इक्वल टू 225। ये लिया आप क्या रहे हैं 25x² प्लस 1 बाय 49 x² इक्वल टू 225। नंबर है प्लस का तो करके माइनस, ये हो गया सेम उतार देंगे 25x² प्लस 1 बाय 49 x², इसको अगर ऐसे हम लेंगे हम सिंपल तो क्या 225 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1575 माइनस का 10। ये कर दिया हमने। अगला स्टेप क्या, 25x² प्लस 1 बाय 49 x² इक्वल टू माइनस कर दिया 1565 कौन में 7। ये हो गया हमारे यहाँ तक सोल्व, हमने वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, जो हमें निकालना था यहाँ पे 49x² प्लस 1 अपॉन में 25x², वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 25x² प्लस 1 अपॉन में 49x², बस रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल पे क्या करेंगे, अगला स्टेप में करते हैं 25x² 1 अपॉन में 49x² वो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 49 बाय 25 से, ये इक्वल टू क्या था हमारा 1565 अपॉन में 7। ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, सेम हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 25 से 25 बटा 49 x², ये 49 ऊपर कटा तो 1 बाय बचा 25x², रेसिप्रोकल करा हमने। और यहाँ पे भी सेम काट पीट के निकाल लो अगर निकालनी है वैल्यू, नहीं तो सिंपल यहीं पे छोड़ दो 1565 अपॉन में 7। ये आ गया हमारा आंसर, लास्ट स्टेप था हमारे बिल्कुल क्वेश्चन का।